मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मल्होत्रा व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है मल्होत्रा व्लॉग्स में। हाँ जी, सुबह सुबह निकलना था हम लोग को 6:30 बजे अराउंड। पीछे घड़ी देख रहे होगा, इस वक्त बज रहा है 10:30। तो हम ज़्यादा नहीं, बस 3-4 घंटे, 3.5-4 घंटे लेट है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेट है। और कौन जा रहे हैं, एक बंदा तो मैंने बोला आपको आ जाएगा, सुबह दिख जाएगा। ये रहे हमारे गगन सेठ, ये आ चुके रात में। आ गए तब सुबह 6 बजे उठ के बोला चलना नहीं है। मैं कहा 1 घंटा सो जाते हैं फिर चलेंगे, फिर आधा घंटा चलते हैं। 10:30 बज गए, बस नाश्ता वास्ता करना है। मैंने बाइक पे आधा सामान बांध रखा है, आधा बांध है, बाकी देख रहे फैला हुआ है। फटाफट करते हैं फिर चलते हैं और सीधा बाइक पे बात करते हैं। भैया जहाँ निकलना था हम लोग को 6 बजे, 6:30 बजे वहाँ निकल रहे हैं हम लोग अराउंड 12:10 पे। ज़्यादा नहीं, 6 घंटे लेट है सिर्फ हम। घर से निकलते हैं ना, एक बड़ी खूबसूरत जगह पड़ती है, तो मैंने कहा वहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं। देखना चाहोगे? ये देखो, और एक बार नज़ारा नीचे से ले लिया ना, अब ऊपर से ले लो एक बार ये नज़ारा, है कि नहीं? मजे लो। ये फ़ोन बजा था इसका, ये देख रहो, ये है कल जिसका फ़ोन बजा था। और इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं पिकनिक में आते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं ये देखो, देख रहे हो, लोग खाते हैं और यहीं फेंक के चले जाते हैं। यार कम से कम इतनी कदर तो कर लो। देखो हर जगह फैला हुआ है, देखो ये नीचे थोड़ा काला दिख रहा होगा, लेकिन आप देखोगे ना तो लोगों ने गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा गंदगी हुई यहाँ पे। जब मैं पहले आया था 2-3 महीने पहले 4 महीने पहले तब बिल्कुल क्लीन था, लेकिन अभी लगता है ज़्यादा भीड़ आने लग पड़ी, जिसकी वजह से कूड़ा करकट ज़्यादा हो गया। हमने अपने यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचा लिया, ड्रोन शॉट लिया, बहुत अच्छा, जो आपको बहुत सुंदर लगा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ड्रोन शॉट आपके लिए ही लेने के लिए रुके थे यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो इस जगह देखी हुई है, लेकिन मैं चाहता था कि ऊपर से आप लोग भी देखो कि ऐसा लगता है। अरावली हिल्स देखो आप लोग सामने, और ये है नीम राना। बस ये वादियाँ जो होती है ना, ये वादियाँ, इनको वादियाँ ही बोल सकते हो आप। मतलब सुंदर सुंदर पहाड़, ठंड का मौसम, मज़ेदार धूप खिली हुई, और राइड भी शुरू हुई है, तो मतलब एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल ही होता है। जब आपको बिल्कुल प्लेन रोड दिखती है ना, और सामने माउंटेन दिखे, मतलब वो जो नज़ारा है ना यार, क्या अलग से। देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, दूर दूर चल रही हैं गाड़ियाँ, ठंडा ठंडा मौसम है, धूप निकली हुई अच्छी सी,
क्या नज़ारा, सुखद नज़ारा इसको बोलते हैं ना, वो लग रहा है। जयपुर वाले हाईवे पे आपको ना एक होटल बहुत मिलेगा, होटल हाईवे किंग करके, चूक मत जाना, होटल हाईवे किंग का खाना। वो देखो फिर लिखा हुआ, देखो इतना बड़ा बोर्ड में वो सामने येलो कलर में। अभी भी अजमेर कम से कम 3 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में, तब अभी खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रही है और हम चलते जाते हैं बातें करते हो आपसे। पहाड़ कितने बेहतरीन लग रहे हैं जयपुर में। भाई सब खतरनाक है बस वाला, ऐसे चला रहा था ना वैसा पूछे मत। थोड़ी देर के बाद यहाँ आके रुके, ये टपरी दिखी, यहाँ चाय पियेंगे, इसने देख लिया तो रुक गई है, अदर चलती चली जा रही थी। चलो तल लो चाय पीते तक आप ड्रोन शॉट देखो और मजे लो। देखो मौसम ना बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया और मज़ा, सुबह से ही ठंडा मौसम है लेकिन धूप निकली थी, लेकिन अब हो गया छाँव, सूरज जी हो गया अस्त और अभी 90 किलोमीटर पड़ा है अजमेर। अभी अपने ड्रोन शॉट देखूँगा तो आपको अच्छे लगे ही लगे होंगे क्योंकि हमने बड़े चुम्बेश्वरी शॉट्स लिए। बात होगी है अपने तीसरे राइडर से, जब जाएंगे तब मिलवाएंगे। और देखो ये सुस्ता ही पड़ा हुआ है, बात कर ली है, लोकेशन आ रही है, मेरा थोड़ा सा पेट गड़बड़ा रहा है लेकिन जगह नहीं मिल रही कहाँ फ्रेश हूँ, बट फटाफट निकलते हैं, रस्ते में कोई जगह मिलती तो देखते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बस चाय पी लिए हैं। पेट्रोल का दिखाता है? पेट्रोल नहीं दिखाता, बुलेट में पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है। चलो पेट्रोल में पाया, देखते हैं यहाँ फ्रेश हो जाते हैं एक बार। पेट्रोल डलवाने वैसे? डलवा लेंगे। तो भाई अंधेरा कायम हो गया, चल बैठ जा। और मैं फ्रेश हो चुका हूँ, अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अब बढ़िया से बाइक और चलेगी, बढ़िया पेट्रोल पंप था। भाई लोगों का थैंक यू, हमने पेट्रोल भले डलवाया लेकिन बंदे ने हमें फ्रेश होने दिया, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई, दिवाली का रौनक अभी तक दिख रही है। तो चलो चलते हैं भगवान का नाम लेके, जय माता दी। क्या हो गया एकदम से? रुक जा, उठाते रुक जा। हुआ क्या था? अरे ये सेकंड बालू में बिल्कुल ही बिदकी गाड़ी ना, देख। चलो कहीं, हाँ बच गया। और कोई गियर मार, ऊपर पटरा के आ जा, आगे लगा ले ऐसे पेटी के। हाँ हाँ चल। हाँ लगा। छोड़ नहीं, लगे नहीं, बच गए। थैंक यू। तो तेज थे ही नहीं, चले ही थे बस। हाँ वजन बहुत है ना, कंट्रोल तो करे लेकिन वजन बहुत है। दिल्ली
पर गाड़ी बड़ो जोरी से पार कर रेता रेता है ना सारा इसी वजह से लगे तेरे को तो नहीं लगी बढ़िया बच गया ना बच गया किधर जा रहा हूँ हम लोग जा रहे हैं अभी अजमेर आराम 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 से जाएंगे कुछ अच्छा ही होना होगा आगे कुछ आगे पूरा होने वाला है यही हाँ यही हो गया और क्या लग गई क्या बहुत ठीक है ये देख ले क्या लगा है बंजी टूट गई एक भाई साहब ओके शुक्रिया जी थैंक यू भाई साहब तो अभी क्या हुआ ना अभी हम लोग गए थे गिर यहाँ बहुत तेज बालू पड़ी हुई है यहाँ पे स्किड करके हमारी बाइक थैंक गॉड कि हम बच गए लगी नहीं हमें और भगवान का शुक्र है और हमारी ये बंजी वायर टूट गई है क्योंकि घिस गई ना एकदम से देख रहे तभी टूट गया और है मजबूत ही है बाकी बैग वैग में हमें कहीं कुछ लगा तो नहीं है कि कुछ लग गया हो नहीं बच गया सब भगवान की कृपा से गिरने से ना सिर्फ चंद सेकंड पहले मैंने भगवान का नाम लिया ही था कि हम गिर गए उसका फ़ायदा ये हुआ है कि भगवान का नाम से हम थोड़ा बच गए हैं अदरवाइज पीछे से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही थी और काफ़ी तेज़ी से गिरे हम हाँ ये भाई साहब ऐसे ट्रक आते काम लग जाता भगवान के दया से बच गए हैं बस चल पड़े नाम लेते हैं फिर से एक बार भगवान का जय माता दी जर्नी अच्छे से हमारी बीते वो बालू थी इसकी वजह से स्किड कर गया वही तो काम बहुत स्लो थे ऐसे लोग होते हैं इसके लेके आते हैं और हम जैसे लोगों की जान पे डाल देते हैं पहाड़ों पे लाइट क्या जल रही है जबरदस्त फाइनली इसके यहाँ पहुँचा था पहुँच गए हैं आ भी गया और मिलवाता हूँ मैं आपको उससे लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें बता देता हूँ तो अराउंड हमने 360 किलोमीटर के आसपास आज चलाई है राइड की है जो आज गुड़गांव से अजमेर के लिए और एक बार हम गिर भी गए वो बड़ा ही ख़तरनाक हुआ जब गिरे तो लेकिन ज़्यादा स्पीड बढ़ती इसलिए मैं ज़्यादा लगी नहीं हमें बस थोड़ी बहुत मेरे को सलके किसी झिलट भी पड़ जाती है लग के वैसे चोट सी आई है और आपको कुछ कल सुबह में कुछ नया भी दिखाएंगे और जिसके आए हैं उससे मिलवा देते हैं आओ पाजी तैयार होने के लिए पहले शीशे पे गए कि ये देखो भाई साहब ये हमारे गर्ल्स लाइफ और इन्होंने एक नई बाइक ली है कल सुबह कल सुबह दिखाएंगे उसको आपको क्योंकि रोशनी थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगेगी जो भी राजस्थान राइड के जितने भी खर्चे हैं ना वो सब ईच व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्या खर्चा हुआ कितने का पेट्रोल डाला है क्या खाया क्या पिया सब दिखेगा आपको पाई पाई का हिसाब देंगे आपको भी डिस्क्रिप्शन में ओहो लाइट ये सरप्राइज मैं कल दिखाऊँ किस चीज़ की लाइट थी और गगन और मैं आज बाल बाल बच गए थोड़ी बहुत चोट लगी है हमें बाल भी बच गए और इसके तूने कुछ बता दे क्या हो गया तेरे कुछ नहीं इस भाई साहब के ना हमने वो बंजी वायर बांध रखी थी उसके ऊपर ये बैठा था आप सोच लो क्या होगा ये बोला कल बैग बांधूंगा या मैं बम बांधूंगा अब वो नहीं पता क्या तो मैं भैया अभी वो रात को क्वेश्चन रख के सोना पड़ेगा वो जाके नॉर्मल होएगा एक्शन कैमरा बहुत काम आता है सब चीज़ों के तो आपने जो जो व्यूज़ देखे अगर अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक कर देना कमेंट कर देना और नए हो तो भाई नीचे रेड कलर का बटन रखो सब्सक्राइब कर देना और जो जो इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ क्योंकि वीडियो बाद में देख रहे हो लेकिन ये स्टोरीज वगैरह सब पहले इंस्टाग्राम पे आते हैं आईडी हमारी यहीं की आ जाएगी हम तीनों की ठीक है जी और मेरी आईडी भी नीचे आ रही है सबकी आईडी आ जाएगी उसको भी फॉलो कर लेना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा और जो मैं बोला था सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब करते ही आपको आएगा बेल आइकन का बटन उसको प्रेस करते ही क्या होगा मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास आएगी तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग पे नेक्स्ट व्लॉग की पूरी सीरीज है बने रहो बहुत जबरदस्त मजे आने मिलते हैं बहुत अच्छे से व्लॉग पे अब तक के लिए टिल देन टेक केयर रहने से बाय।